वेलकम टू गाइस माई न्यू वीडियो। तो गाइस आज मेरे पास नोकिया का कीपैड मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए आया हो। तो इसमें जो प्रॉब्लम है गाइस, ये वाटर डेड है। तो ये पूरी तरीके से फ़ोन डेड है। यहाँ पे मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। और इसको जो है चार्जिंग में मैं प्लगिंग करके चेक कर लेता हूँ कि देखते हैं हमारे चार्जिंग मशीन में ये एम्पेयर वगैरह ले रहा है कि नहीं। तो गाइस ये कोई एम्पेयर नहीं ले रहा है, ये पूरी तरीके से डेड है। तो ऐसे फ़ोन को किस तरह रिपेयरिंग करना है इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। तो पहले गाइस इसको ओपन करते हैं, और ओपन करके गाइस देख सकते हो ये पूरी तरीके से वाटर डेड है। यहाँ पे पूरा हमारा जो चार्जिंग पिन का सेक्शन है वहाँ पे जंग लग चुका है। तो इसे ओपन कर लेते हैं, और ओपन करके गाइस जो है हम चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो पहले गाइस इस फ़ोन में चेक करते हैं सॉर्टिंग वगैरह है कि नहीं। तो यहाँ पर बैटरी को रिमूव करने के बाद हमारा जो बैटरी कनेक्टर है वहाँ पे वो बीप की रेंज में हमें चेक करना है। तो ये फ़ोन में हमारा शॉर्टिंग नहीं है, ये पूरी तरीके से ओके है। तो अभी फ़ोन को ओपन कर लेते हैं, और ओपन करके चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है अंदर अभी फ़ोन का। कभी भी गाइस अगर आप लोग के पास वाटर डेड फ़ोन जो आता है, तो पहले फ़ोन को आपको ओपन करना है, और ओपन करके गाइस जो है आपको फ़ोन को अच्छी तरीके से क्लीन करना है। और क्लीन करके गाइस जो है आपको बैटरी चार्ज करके दूसरी बैटरी लगा के चेक करना है। कभी कभी ये प्रॉब्लम हमारा यहीं से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे गाइस मैंने ये ऑलमोस्ट दूसरा बैटरी भी लगा के चेक कर लिया, और इसे जो है डीसी पावर सप्लाई में भी लगा के चेक किया। तो डीसी पावर सप्लाई में गाइस जो है ये फ़ोन थोड़ा सा एम्पेयर लिया, उसके बाद ये बंद हो गया। तो यहाँ पे जो है गाइस पहले ये फ़ोन को मैं ओपन करके इसे अच्छी तरीके से क्लीन करता हूँ, और क्लीन करके देखते हैं ये फ़ोन का हमारा कंडीशन क्या है। कस्टमर का कहना है कि ये फ़ोन पानी में गिर गया था, और इसे मैं चार्जिंग में लगा के रात में सो गया, उसके बाद सुबह तक ये फ़ोन ऑन नहीं हुआ। तो ये मेरे शॉप पर दिया गया रिपेयरिंग करने के लिए। तो देख सकते गाइस इसका जो चार्जिंग कनेक्टर है ये पूरी तरीके से जल चुका हुआ है। तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से जल गया है। तो पहले गाइस इसका जो है चार्जिंग कनेक्टर रिप्लेसमेंट करके देखते हैं कि हमारा जो है प्रॉब्लम यहाँ से तो सॉल्व होता है कि नहीं। क्योंकि अधिक करके फ़ोनों में जो प्रॉब्लम होता है वो डेड का या वाटर डेड का, तो हमारा जो चार्जिंग कनेक्टर होता है वो जल जाता है, जिसके कारण हमारा बैटरी चार्ज नहीं होता है। तो गाइस ये फ़ोन फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, तो ये पूरी तरीके से जो है गाइस इसमें वाटर पानी गया नहीं हुआ है। खाली यहाँ पे जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है और हेडफोन का जो सेक्शन है वहीं पे ये पानी गया हुआ है, और ये पूरी तरीके से यहाँ पे जंग लग चुका है। तो पहले गाइस इस फ़ोन का जो है चार्जिंग कनेक्टर रिप्लेसमेंट करते हैं, और रिप्लेसमेंट करके देखते हैं ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। जिसका गाइस जो चार्जिंग कनेक्टर रिप्लेसमेंट करना काफ़ी ईजी होता है, आपको सिंपली कुछ करना नहीं है। यहाँ पर आपको चार्जिंग जो कनेक्टर है पुराना वाला जहाँ पे लगा हुआ है, आपको चार्जिंग कनेक्टर पे अच्छी तरीके से आपको पेस्ट लगा देना है चारों तरफ से, और जो है इसे ब्लोअर से आपको हीट करके निकालना है। यहाँ पे गाइस अगर आपको जो है हीट करना, आप अपने हिसाब से हीट करो, और उसके बाद जो है गाइस यहाँ पे जो चार्जिंग कनेक्टर होता है उसे तेज़ से खींच के नहीं निकालना है, एकदम स्मूथली निकालना है। क्योंकि ये जब ब्लोअर से हमारा हीट हो जाता है, हीट होने के बाद जो है गाइस ये आराम से यहाँ से उड़ जाता है। तो यहाँ पे जो है गाइस मैंने इसका हीटिंग थोड़ा कम किया हूँ, थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा इसे निकलने में। तो यहाँ पे गाइस आपको प्रेस वगैरह नहीं करना है, प्रेस करने से क्या होता है जो हमारा चार्जिंग कनेक्टर का पॉइंट होता है वो उखड़ जाता है। उखड़ने के बाद गाइस जम्पर मारना पड़ता है। तो सिंपली आपको यहाँ से आराम से इसे उठा लेना है। तो देख सकते ये हीट हुआ, और पूरी तरीके से ये चार्जिंग पिन जो है जल चुका है पूरा। तो सिंपली आपको आराम से स्मूथली उठा लेना है, और उठाने के बाद गाइस देख सकते हैं इसकी कंडीशन, यहाँ पे पॉइंट वगैरह हमारा पूरी तरीके से ओके है। क्योंकि कस्टमर ने जो है इसे चार्जिंग प्लगिंग कर दिया, और इसमें पानी था, पानी की वजह से जो है ये पूरा जल चुका है यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, और क्लीन करके जो है इसे शोल्डर से अच्छी तरीके से यहाँ पर सोल्डिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा जंग लगा, इसे ब्लेड से स्क्रैच कर देता हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा सफ़ा हो जाएगा तो गाइस इसमें जो चार्जिंग कनेक्टर होता है उसे बैठाने में काफ़ी आसानी होता है। तो यहाँ पे मैं शोल्डर से इसे अच्छी तरीके से पहले सोल्डिंग कर देता हूँ, क्योंकि ये जो
नोकिया का ऑलमोस्ट कोई भी मॉडल फ़ोन होता है, कोई भी मॉडल फ़ोन होता है गाइस, इसका जो चार्जिंग कनेक्टर होता है वो जो है आपको अच्छी तरीके से बैठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जिंग कनेक्टर का जैक होता है हमारा, वो दो ही पॉइंट होते हैं, दो खांचे होते हैं जो हमारा ग्राउंड में बैठता है, और जो ये बीच का जो पॉइंट होते हैं यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर के, वहाँ पे आपको सोल्डिंग करके अच्छी तरीके से आपको बैठाना, नहीं तो गाइस इसमें चार्जिंग प्लगिंग करते ये उखड़ जाता है। तो यहाँ पे जो बीच का पॉइंट होता है, जो हमारे दोनों पॉइंट के बीच में जो जगह होता है, वहाँ पे अच्छी तरीके से आपको पहले सोल्डिंग कर देना है। वहाँ पे सोल्डिंग करने से क्या रहता है, ये बोर्ड में जो हमारा ग्राउंड है यहाँ पे अटैच होकर अच्छी तरीके से सोल्डिंग हो जाता है, तो जिसके कारण ये चार्जिंग जैक नहीं उखड़ता है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से इसे सोल्डिंग कर लेता हूँ, और सोल्डिंग करके गाइस इसको बैठाना काफ़ी ईजी होता है। यहाँ पे आपको ऊपर से हीट वगैरह नहीं देना है, सिंपली आपको जो है चार्जिंग कनेक्टर को, जो नया चार्जिंग कनेक्टर होगा, वहाँ अच्छी तरीके से आपको उसके पोजीशन पे बैठा लेना है, और बैठाने के बाद गाइस आपको इसको नीचे की तरफ से आपको हीटिंग देना है। ऊपर की तरफ से अगर आप हीटिंग देंगे तो ये जल जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसको निकाल लेते हैं बाहर। निकालने के बाद इसे अपने पोजीशन पे मैं रख लेता हूँ, और रखने के बाद जो है चार्जिंग कनेक्टर को इसकी जगह पे रख के आपको नीचे से हीट दे देते हैं, और हीट देने के बाद गाइस ये स्मूथली अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस इसे मैं यहाँ पे बैठा लिया हूँ, और बैठा के जो है चेक करके देख सकते हो ये पूरी तरीके से एकदम कंप्लीट अपनी जगह पे बैठ गया है। तो यहाँ पे गाइस सिंपली आपको जो ये इसका पीछे के जो पांच पॉइंट होते हैं चार्जिंग कनेक्टर के, इसको अच्छी तरीके से ब्लेड से थोड़ा सा स्क्रैच कर देना है। स्क्रैच इसलिए करते हैं गाइस क्योंकि कितना भी आप सोल्डिंग मारेंगे तो ये प्रॉपर सोल्डिंग नहीं होता है। हल्का सा स्क्रैच देने के बाद जो है आपको उसको पेस्ट लगा देना है, और पेस्ट लगाने के बाद आपको सोल्डर से इसे सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रैच नहीं मारेंगे तो सोल्डिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है, एक दूसरे से अटैच हो जाता है, और यहाँ पे अच्छी तरीके से ये बैठता नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं ये एकदम स्मूथली सोल्डिंग हो जाता है एकदम अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैंने सोल्डिंग इसे कंप्लीट कर दिया हूँ। अभी जो है इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ, इसके जो दो खांचे होते हैं जहाँ पे हमारा चार्जिंग कनेक्टर बैठता है, यहाँ पे इसे सोल्डिंग कर देते हैं। सोल्डिंग करने से क्या रहता है गाइस, ये काफ़ी मजबूत हो जाता है, नहीं तो ये गाइस ये दो चार दिन में थोड़ा तेज़ से प्रेस करते हैं चार्जिंग कनेक्टर तो ये उखड़ जाता है। तो इसका जो पीछे का पास दो पॉइंट है यहाँ पे स्क्रैच कर देना है ब्लेड से, और ब्लेड से उसके बाद आपको हल्का सा वहाँ पे पेस्ट लगाना है, और पेस्ट लगाने के बाद आपको सोल्डिंग कर देना है। तो ये क्या होता है गाइस, जो है यहाँ से जो हमारे ग्राउंड से अच्छी तरीके से ये अटैच हो जाता है, और ये काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो यहाँ सिंपली मैं इसे अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर देता हूँ, और सोल्डिंग करने से क्या ये एकदम प्रॉपर मजबूत हो जाएगा। तो देखते हैं गाइस ये जो वाटर डेड का फ़ोन हमारे पास आया हुआ था, इसमें चार्जिंग कनेक्टर को जैसे ये डेड था कि अदर कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे गाइस मैंने जो है फ़ोन को चेक किया, ये फ़ोन पूरी तरीके से फ्रेश है, इसमें कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं, ये हमारा एम्पेयर प्रॉपर दे रहा है। तो यहाँ पे गाइस चार्जिंग कनेक्टर मैं रिप्लेसमेंट करके चेक करता हूँ। कभी भी गाइस अगर आप लोग के पास ऑलमोस्ट कोई भी डेड फ़ोन आता है तो आपको जो है गाइस उसका चार्जिंग कनेक्टर रिप्लेसमेंट करके चेक करना है। आपका ये जो प्रॉब्लम होता है अधिक करके ये चार्जिंग कनेक्टर का ही होता है। तो यहाँ पे जो है मैं इसकी बैटरी को अच्छी तरीके से बैठा लेता हूँ, और बैठा के जो है इसमें चार्जिंग प्लगिंग करता हूँ, और देखते हैं ये हमारा फ़ोन एम्पेयर वगैरह ले रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे गाइस ये फ़ोन मेरा एम्पेयर मशीन में अभी जो है ये 10 एम्पेयर ले रहा है, और ये अभी देख सकते हो ये पूरी तरीके से जो है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ा मुझे क्योंकि ये बैटरी पूरी तरीके से एम्प्टी था। तो यहाँ पे ये फ़ोन मेरा कंप्लीट चार्ज हो रहा है, अभी ये 100 एम्पेयर ले रहा है। तो अभी मैं इसे ऑन करता हूँ। तो इस तरह गाइस ऑलमोस्ट कोई भी फ़ोन के आप डेड फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो, तो काफ़ी ईजी होता है गाइस। इसे मैं फ़ोन को पहले आपको वाटर डेड फ़ोन को ओपन करना है, ओपन करके इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर देना है। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस तरह डेली आप लोग को एक नोटिफिकेशन वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।